कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस ने 3 सातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 24 दुपहिया वाहन सहित कुल 26 वाहनों को बरामद किया है। इस बाबत डीसीपी राजेश यस ने प्रेस वार्ता के दौरान इस गैंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। सेक्टर 58 पुलिस द्वारा एक चोर जो चोरी का बाइक खरीदने वाला का गैंग का खुलासा किया है। पूछताछ में ये पता चल गया कि ये 6 लोगों का गैंग है, जिसमें चोरी करने वाला गैंग अलग है जो अमरोहा जनपद का है, जो जोया करके एक कस्बा है वहीं पे उन लोगों का गोदाम वगैरह है। और वहाँ से ये लोग क्या करते हैं, चोरी का बाइक्स जो NCR में चोरी करने के बाद ये लोग अमरोहा में एक तरफ इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद ये लोग एक पिकअप लोडर के माध्यम से जो दिल्ली में मायापुरी है वहाँ जाके, एक और कबाड़ी है वहाँ मायापुरी में, उन्हीं को बेच देते हैं। और ये लोग आगे वहाँ से सेकेंड हैंड या उसको पूरा पार्ट्स अलग अलग करके बेच देते थे। तो अभी हमारा गिरफ्त में जो दिल्ली मायापुरी का लोग है उसमें 3 लोग हमारा गिरफ्त में आया है। उसमें एक महेश व्यक्ति जिनका नाम से जो गोडाउन है वहाँ मायापुरी में, जिनका गोडाउन में अभी भी गाड़ियाँ खड़ी है, तो उनको हम लोग गिरफ्तार कर लिया है। और कुल अभी तक हमारा कब्जे में 28 गाड़ी हम लोग बरामद कर लिए हैं। इसमें और एक लोडर भी है, लोडर उसी गैंग का एक व्यक्ति का है। और इसमें खास बात यह है कि जो गाड़ियां हैं जो हमने बरामद किया उसमें 7 गाड़ी हम लोगों का ट्रेस हो चुका है, जिसमें गाज़ियाबाद और नोएडा का है। नोएडा सेक्टर 58 से भी गाड़ियां चोरी हुई थी पहले, और इसमें अन्य गाड़ियों को ट्रेस करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्योंकि जो इंजन नंबर चेसिस नंबर का थोड़ा दिक्कत हो रही है, चेसिस नंबर को ये लोग थोड़ा हल्का सा उसमें घिसक गए, और उस चक्कर में हम लोग अभी ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट हम लोग दिल्ली पुलिस के माध्यम से और गाड़ियां हम लोग ट्रेस करेंगे और बरामद भी कर लेंगे। इसमें जो फरार चल रहे हैं 3 व्यक्ति, उन लोगों को जल्दी से अमरोहा पुलिस का मदद से गिरफ्तार करेंगे। इसमें जो हम लोग गिरफ्तार किए, ये लोग जो चोरी हुआ बाइक को खरीदने वाले थे और जो चोरी करके ले जाते थे यहाँ से दिल्ली NCR रीजन से, उन लोगों को गिरफ्तारी शेष है, उन लोगों को तलाश किया जा रहा है। ये एक तरफ है, ये तीनों का एंड यूज़र मान लीजिएगा, जो चोरी हुआ बाइक है वो तो खरीदने वाला एक मतलब चोरी करने वाला एक गैंग है, और वही लोग दूसरा को बेचते हैं। तो हम लोग एंड यूज़र को पकड़े, मतलब मान लीजिए कि जो कबाड़ी है और उनका साथी में जो काम करते थे उन लोगों को पकड़ लिया है। अभी हम लोगों का मेन जो चोरी करने वाला गैंग है और जो अमरोहा का जो बेस्ड है, उन लोगों को गिरफ्तारी करना शेष है। अभी अगर हम लोग देखेंगे इस गैंग का पूरा मास्टरमाइंड है वो अमरोहा का है, उनका नाम आमिर है और उनका साथ एक मुसेतीन है। इन दोनों के अलावा उनका चोर एक और है जो आर्यन करके है, बलराम उर्फ आर्यन है। हो सकता है इनके गैंग में और मेंबर्स हो, बट प्रथम दृष्टिया पूछताछ में इतना ही लोग हमारा खुलासे में आया है। नहीं, ये देखिएगा, जो चोर है यहाँ से पहले अमरोहा ले जाते थे, वहाँ से इकट्ठा होने के बाद वहाँ से फिर दिल्ली मायापुरी के लिए लोडर के माध्यम से लेके आते थे। ये जो वाहन आप यहाँ देख रहे हैं, एक ये लोडर और ये सभी मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी, जो कि 26, इन सभी को, इनको जो चोरी करते थे वो 6 अपराधी थे, जिसमें से कि 3 को नोएडा पुलिस ने पकड़ लिया है और बहुत जल्द वो बचे 3 अपराधियों को भी पकड़ेंगे। सर, जैसे कि ये लोग इतने संगीन अपराधों को अंजाम देते थे कि अभी इन्होंने इतनी सारी गाड़ियां बाइक्स भी चोरी करे, तो अभी पकड़े गए, अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि इन पर पुराने कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं? अभी जो सेक्टर 58 पुलिस द्वारा जो चोरी करने वाला गैंग को जो खुलासा किया है, इसमें सिर्फ 3 मेंबर्स हम लोगों का गिरफ्त में है, जो इस घटना करने वाले हैं और उनका मुख्य एक तरफ कह सकते हैं जो आमिर और उनका जो सदस्यगण जो अमरोहा के हैं वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है, और टीम गठन किया गया है, जल्दी उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और जैसे गिरफ्तारी हो जाएंगे तो इन लोगों के खिलाफ हम लोग वैसे ही
गैंग स्ट्राइक पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा पूछताछ में पता चल रहा है। और जितने 2 साल में अगर ये उसी दौरान ये लोग संपत्ति कर अर्जित किया गया होगा तो उसको भी हम लोग जब्त कर सकते हैं। जी सर, जैसा कि बताया कि अभी दिल्ली में भी इन्होंने अपनी कुछ बाइक्स वगैरह छुपा रखी हैं, तो उनको अब कैसे निकाला जाएगा? अब दिल्ली पुलिस की मदद लेंगे इस चीज़ में? दिल्ली के मायापुरी क्षेत्र में इन लोगों का एक गोदाम है, जिसको हम लोग जाके हम लोग जितने हमारा कनेक्टेड थे हम लोग कोशिश करके दिल्ली पुलिस की मदद से हम लोग रिकवर कर लिया, और ज़्यादा गाड़ी वहाँ पे कड़ी है, तो हम लोग दिल्ली पुलिस का मदद लेंगे ज़रूर, और दिल्ली पुलिस का मदद से ही वहाँ पे जितने गाड़ियाँ हैं उसको ट्रेस करेंगी, और जो हमारा कनेक्टेड है वो हम लोग दिल्ली पुलिस की मदद से रिकवरी कर लेंगे। सर, ये 3 सालों से इस घटना को अंजाम दे रहे थे, बार बार इतनी सारी गाड़ियाँ चोरी की गई, क्या कभी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हुआ कि ये कोई गाड़ी लेके गए हो, ये वो रास्ते में पकड़ी गई हो चेकिंग के दौरान, जैसे अक्सर गाड़ियाँ रोकी जाती है चेकिंग, क्या कभी ऐसा कोई कोइंसिडेंस नहीं हुआ कि एक भी गाड़ी ऐसी पकड़ी गई हो? कि अन्य गैंग का खुलासा हम लोग जब करते हैं किए हैं उसमें उस तरह का जो आप पूछ रहे हैं उसी तरह का हम लोग पकड़े हैं, बट फिलहाल इस गैंग का अभी जो जितने ये लोग पूछताछ में बता रहे हैं 2 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो ये किस रास्ता से ले जाते थे, कितने बजे ले जाते थे, ये सब चीज पूरा का पूरा सूचना हम लोगों को जब असली चोर जो फरार चल रहे हैं जब वो लोग मिलेंगे तो क्लियर कट हमको पता चलेगा इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या है। सर, क्या संभावना है कब तक वो उन लोगों को पकड़ा जाएगा? जैसे कि अभी ट्रेस तो उन्हें कर लिया गया है, लेकिन अभी बहुत जल्द कुछ प्लानिंग्स होंगे कि उनको पकड़ने के लिए, तो क्या लगता है आपको कितने दिनों में आप उन्हें पकड़ लेंगे? अभी जैसे मैंने बताया था कि जो अभी गिरफ्तारी हुए हैं इन लोगों से पूछताछ में बहुत सारे डिटेल्स हम लोगों को मिला है, ये लोग कहाँ कहाँ इन लोगों को छिपाने के जगह है, और उन सभी जगहों का हम लोग रेड करेंगे। दूसरा, जो हमारा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन है जिसमें हम लोग जो SP अमरोहा उनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि मेन जो चोर का सरगना का पूरा वहीं का बेस्ड है, और उन लोगों का पुलिस को मदद करेंगे लेंगे, और वो भी अपना तरफ से एक टीम गठन करेंगे। वैसे हमारा सेक्टर 58 पुलिस द्वारा 2 अलग अलग टीम गठन किया जा चुका है, और अलग अलग जगह पर अभी आने वाला समय में जैसे इनपुट मिलेगी हम लोग रेड करेंगे, बट क्योंकि अमरोहा जनपद तक जाना है और अमरोहा जनपद का पुलिस का मदद होगी तो हम लोग जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। मैं निशी शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट प्रफुल्ल वर्मा के साथ, नोएडा थाना सेक्टर 58 से।